वहीं अलवर के सरिस्का से खुशखबरी आई है। सरिस्का में 3 नए शावक नजर आए। कैमरा ट्रैप में तीनों शावकों की फोटो कैद हुई। सरिस्का में बाघों की संख्या बढ़कर अब 43 हो गई है। बाघिन ST-17 के साथ ये शावक नजर आए। वाटर हॉल पर पानी पीते हुए तीनों शावक दिखाई दिए। बता दें सरिस्का से एक बार फिर खुशखबरी आई है, जहां बाघिन ST-17 के साथ 3 शावक नजर आए हैं। ऐसे में अब सरिस्का में बाघों की संख्या बढ़कर कुल 43 हो गई है। ऐसे में ये खुशखबरी है सरिस्का अभयारण्य के लिए, जहां बाघों की संख्या बढ़ती जा रही है। सरिस्का से बड़ी खुशखबरी आई, जहां 3 नए शावक जो हैं बाघों के कुनबे को बढ़ाते हुए नजर आए। अलवर के सरिस्का से ये खुशखबरी है। कैमरा ट्रैप में तीनों शावकों की फोटो कैद हुई, जो कि बाघिन ST-17 के साथ पानी पीते हुए नजर आए। सरिस्का से ये खुशखबरी आई है। और खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी भरत सीधा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। भरत, सरिस्का से खुशखबरी आई, जहां बाघिन ST-17 के साथ 3 शावक नजर आए, और ऐसे में अब बाघों की संख्या कुल 43 हो गई है। तो आपको बता दें कि किस आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह से वन विभाग इनकी पूरी देखरेख के लिए कदम उठा रहा है। जी आकांक्षा, मैं बता दूं कि अलवर जिले में लगातार सरिस्का जो बाघ परियोजना है, लगातार खुशखबरी सामने आ रही है। मैं बता दूं कि 1 महीने के अंदर 3 शावकों का जन्म हुआ है। वही ये सरिस्का प्रशासन में वन जो वन प्रेमी उनके लिए काफी खुशी की लहर है। वही संजय शर्मा ने भी इस दौरान जो सरिस्का प्रशासन उसको धन्यवाद दिया। मैं बता दूं कि 1 महीने के अंदर अंदर सरिस्का बाघ परियोजना में 13 शावकों को जन्म दिया है। वही ये संभवतः जो राजस्थान का किसी भी संरक्षण में इतनी संख्या में शावकों को पैदा नहीं हुआ। ये सरिस्का एक पहला ऐसा उद्यान है जहाँ पर लगातार शावकों की संख्या बढ़ रही है। वही अब शावकों की संख्या 43 हो गई है। वही अब सरिस्का प्रशासन भी इन शावकों की देख रहे हैं, मॉनिटरिंग करने में लगातार निगरानी रख रहा है। वही अलग से टीम गठित की है जो शावक है इनकी देख रेख। वही भीषण गर्मी के दौर में किस तरह इनकी देख रेख की जाए, वो सब तरह की व्यवस्था सरिस्का प्रशासन के द्वारा की गई है। मैं बता दूं कि जैसे ही सरिस्का में लगातार बढ़ रहे शावकों की संख्या से टूरिस्ट तो बढ़ेगा ही, वही वन प्रियो में भी काफी खुशी की लहर है। बीते जो पिछले कई वर्षों से सरिस्का जो टाइगर विलीन हो गया था, लगातार सरिस्का में टाइगरों की संख्या बढ़ रही है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद भरत हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आप सभी को बता दें कि सरिस्का से एक खुशखबरी आई है, जहां पर बाघिन ST-17 के साथ 3 नए शावक देखे गए हैं, और इसी के साथ में अब बाघों की संख्या बढ़कर कुल 43 हो गई है।